number systems. So number systems basically आप rational, irrational, real numbers इन सब के बारे में पढ़ रहे हैं. रियल नंबर्स के अंदर सब कुछ आ जाता है, आपके इंटीजर्स, आपके रैशनल इरैशनल नंबर्स, सब कुछ इंक्लूडेड है. प्रॉपर जो हमारी नंबर लाइन होती है, रियल नंबर लाइन, उसमें ये सारी चीजें इंक्लूड होती है. सो रैशनल नंबर की अगर हम बात करें, सो रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको आप पी बाय क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. क्योंकि अगर ये जीरो हो गया दैट मीन्स इन्फिनिटी बन जाएगा आपका नंबर. तो इन्फिनिटी के अंदर रैशनल नंबर तो नहीं आ सकता. एंड इरैशनल नंबर्स वो हो सकते हैं जो कि इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते, विच आर नॉट एक्सप्रेसिबल इन पी बाय क्यू फॉर्म एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो. सपोज अब हमें रैशनल नंबर कैसे पता चलेगा, अगर कोई नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन आपने उसको डिवाइड करा, अगर उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है मतलब आंसर एंड हो जाता है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो यस इट इज रैशनल. रैशनल नंबर्स में क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रही है तो वो रिपीटिंग होंगे ना. जैसे 1.121, 1.21, 1.21 सेम चलते जाएगा. जो इस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल नहीं है इनकी डेसिमल एक्सपेंशन, एंड डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. इससे पता लगता है कि ये इरैशनल नंबर है. अगर कोई दो नंबर, सपोज एक नंबर क्यू है, एक नंबर पी है, एक नंबर क्यू है, पी इज रैशनल सपोज हम लेट कर लेते हैं, क्यू इज इरैशनल नंबर. तो जो आप पी प्लस क्यू करेंगे, पी माइनस क्यू करेंगे, पी इंटू क्यू करेंगे या पी डिवाइड बाय क्यू करेंगे, हर एक केस में आंसर विल बी इरैशनल. आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी एन इरैशनल नंबर ऑलवेज. सो रैशनल और इरैशनल को आप ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड, आंसर विल बी विल गेट एन इरैशनल नंबर. नाउ हमारे इस चैप्टर में कुछ आइडेंटिटीज यूज हो रही हैं, ये हमने पहले भी करी हैं आइडेंटिटीज, जैसे कि ए एन इंटू ए एन. जब बेसिस सेम हो मल्टीप्लीकेशन में तो पावर्स एड हो जाते हैं. सपोज ए एन बाय ए एन, जब डिविजन में बेस सेम हो तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती है. यही आप क्वेश्चन में यूज करेंगे. थर्ड, ए की पावर एन और बाहर एम, तो बेस सेम है, पावर आस बाहर बाहर है, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे. एंड फोर्थ, ए की पावर एन इंटू बी की पावर बी एन, जब पावर सेम हो बेस अलग हो तो बेस को मल्टीप्लाई करके हम इंडिविजुअल पावर लेते हैं, कॉमन पावर लिख देते हैं. बाकी कुछ आइडेंटिटीज जो रूट्स में यूज हो रही हैं, जैसे कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी मल्टीप्लाई करके बनता है अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बाय बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बाय अंडर रूट बी. अगर यहाँ पर 6 है, यहाँ 3 है, दोनों को अलग अलग रूट में हम लिख सकते हैं. अगर हमारे पास है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, सो ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है. दैट मीन्स ए स्क्वायर मतलब रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, सो ये आ गया ए माइनस बी. अगर हमारे पास है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है, सो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए बी, सो ये कैंसिल हो गए. ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी. स्क्वायर रूट तो तब काट सकते हैं जब इंडिविजुअली ऊपर हो, वैसे नहीं कट सकते. अगर हमारे पास है अंडर रूट ए सॉरी ए प्लस अंडर रूट बी और ए माइनस अंडर रूट बी, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, सो ए स्क्वायर माइनस बी. सो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो कि हम इसमें यूज कर रहे हैं. एक लास्ट चीज इसमें आती है रैशनलाइज,
रैशनलाइजिंग हम तब तब करते हैं जब हमारे पास नीचे नंबर कोई रूट में आए। सपोजिंग कि मेरे पास आता है अंडर रूट ए माइनस बी, उसको अगर आपको रैशनलाइज करना है तो इसे लिखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट ए माइनस बी इक्वल टू इन टू अंडर रूट ए प्लस बी अंडर रूट ए प्लस बी। मतलब यहाँ पर जो भी साइन होगा बदल के ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी करेंगे, साइन डिफरेंट होगा बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा और नीचे भी। देन आप इसको फर्दर सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकते। सो ये सारी चीजें जो कि हम इस चैप्टर के अंदर यूज कर रहे हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और इन केस आपको कोई डाउट आए प्लीज डू राइट टू अस एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। गुड बाय।